गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसमें जितने भी कंसेप्ट थे, जैसे मानव नेत्र, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परकिरणन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये हम कवर कर चुके हैं। और इनके ऊपर आधारित जितनी भी प्राकृतिक परिघटनाएँ थी, जैसे कि तारों का टिमटिमाना या सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, किसी तारे की स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से अलग क्यों दिखाई देती है, और सूर्य छिपते समय या उदय होते हुए हमें लाल क्यों दिखाई देता है, इस तरह की सारी घटनाएं ये हम इसमें कवर कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक और है, मानव नेत्र के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इस प्रकार के एक टॉपिक और है, लेकिन वो अभी मैं इसमें नहीं कवर करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी 30% सिलेबस कम हुआ है। सीबीएसई ने मार्च 2021 के लिए सिलेबस को 30% कम कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई स्कूलों में नहीं चल रही है, तो इस वजह से 30% सिलेबस को कम कर दिया था। तो इस चैप्टर में से एक टॉपिक निकाल दिया है, वो मानव नेत्र के दोष, मतलब दृष्टि दोष जो थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उसको निकाल दिया है, वो बाद में करेंगे। बाकी उसके अलावा जितने भी टॉपिक थे वो हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, मुझे जो लगा वो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकाल लिए हैं और ये वो यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हमें इनको एक एक को उठा के मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं, चलो आज की वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आंखों के सामने वस्तु की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, मानव नेत्र में अगर हम, हमारे सामने कोई वस्तु रखी हुई है, अगर उसकी वस्तु को हम घटाएं या बढ़ाएं तो उसके प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है, और वस्तु चाहे नजदीक हो चाहे कितनी ही दूर हो, उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पे ही बनेगा, चाहे वो कहीं पे भी रखी हो। तो मैंने बताया, वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो, चाहे वस्तु हमारी आंखों के नजदीक है चाहे हमारी आंखों से दूर है, उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे ही बनता है। लेकिन हम जानते हैं, मान लो कैमरे के सामने अगर वस्तु नजदीक है या दूर है, तो हमें काम कैमरे को आगे पीछे या जूम करना पड़ता है, आपको पता है, प्रतिबिंब को थोड़ा ठीक करने के लिए। लेकिन हमारी आंखों में ऐसा नहीं है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो लेकिन उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है आंख में जो काम करती है कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बनता रहे। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो इसके लिए काम करती है, और वो होता है लेंस। लेंस क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है, और उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है? पक्षमाभी पेशियाँ। हम पढ़ चुके हैं ना कि जो हमारे मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो एक उत्तल लेंस होता है, और उसके दोनों साइड में यहाँ पे कुछ पेशियाँ होती हैं जिनको पक्षमाभी पेशियाँ बोलते हैं। जब ये रिलैक्स पोजिशन में होती हैं तो उस टाइम इसकी फोकस दूरी अधिक होती है दूर की वस्तु को देखने के लिए, लेकिन वस्तु अगर नज़दीक आ जाएगी तो ये जो पक्षमाभी पेशियाँ ये सिकुड़ जाएगी, और ये जो लेंस है ये अधिक वक्राकार हो जाएगा, मतलब ऐसे ज़्यादा गोल हो जाएगा, जिससे इसकी फोकस दूरी हो जाएगी कम, ताकि नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पे बढ़ जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि आपके सामने वस्तु की दूरी बढ़ाने पर, चाहे वस्तु की दूरी कितनी बढ़ा दो, तो प्रतिबिंब की दूरी पे कोई असर नहीं होगा, प्रतिबिंब सदैव रेटिना पे ही बनेगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के विभिन्न भागों के कार्य बताइए। देखो, आँख के, मानव नेत्र, मैंने एक वीडियो बनाई थी मानव नेत्र के ऊपर, और उसमें उसके मुख्य भाग मैंने बताए थे। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है मानव नेत्र का, वो होता है कॉर्निया। सबसे आगे वाला जो ट्रांसपेरेंट भाग होता है कॉर्निया होता है। इसका काम क्या है? सबसे पहले जब प्रकाश आता है तो कॉर्निया पे ही पड़ता है, यह अपवर्तन का कार्य करता है, मुख्य भाग है अपवर्तन करने वाला। जब प्रकाश आएगा तो ट्रांसपेरेंट है तो ये प्रकाश का अपवर्तन करता है, जैसे ये सबसे ऐसे सबसे आगे वाला भाग होता है, उसके बाद लेंस होता है, लेंस के आगे यहाँ पे क्या होती है? परितारिका होती है, जिसको आयरिस बोलते हैं, और ये बीच में छेद होता है परितारिका के, जिसको पुतली बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कॉर्निया है। कॉर्निया क्या करता है? जब प्रकाश आएगा तो इसको अपवर्तित करता है, प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा मोड़ेगा ऐसे लेंस पे,
डालने के लिए, तो कॉर्निया का कार्य क्या हो गया? अपवर्तन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीतारिका, जैसे ये प्रीतारिका है, ये प्रीतारिका इंग्लिश में बोलते हैं आयरिस, इनका काम क्या है? यह है प्रकाश की मात्रा को सुनिश्चित करती है, मतलब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि प्रकाश कितना जाना है आंख में। जब हम अधिक तेज प्रकाश में होते हैं तो ये जो आयरिस है, मतलब ये प्रीतारिका है जो ये फैल जाती है, जिससे ये जो छेद है बीच का जिसको पुतली बोलते हैं, पुतली का साइज सिकुड़ जाता है और प्रकाश हमारी आंखों में कम पहुंचेगा, मतलब जितनी जरूरत है उतना पहुंच जाएगा, क्योंकि बाहर तो अधिक तेज प्रकाश है। अगर हम अधिक रोशनी में जाते हैं तब बता रहा हूं, अगर हम मंद प्रकाश में जाते हैं तो प्रकाश बाहर कम होता है, तो उसको जितनी जरूरत है उतना प्रकाश लेने के लिए वो अपने साइज को बढ़ा लेती है, कौन सी? पुतली। और उसके साइज को कौन बढ़ाता है? ये जो आयरिस है, मतलब ये प्रीतारिका है, ये थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, आगे पीछे हट जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, बीच का छेद बढ़ जाएगा, मतलब पुतली का साइज बढ़ जाता है। तो आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कौन है? प्रीतारिका। प्रीतारिका के बीच में क्या है? पुतली। पुतली वो जगह है जिसमें से प्रकाश अंदर जाता है। उसके बाद आता है लेंस। लेंस का कार्य क्या है? लेंस का काम है प्रतिबिंब को बनाना, और बनता किस पे है? हमें पता है कि पीछे क्या होती है, यहाँ पे एक परत होती है जिसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है मनुष्य में, और प्रतिबिंब देखो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस सदैव वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसके बाद दीप तंत्रिकाएं यहां से निकलती हैं, दीप तंत्रिकाएं इस प्रतिबिंब को लेके जाती हैं किसके पास? मस्तिष्क के पास। फिर मस्तिष्क इसको प्रोसेस करता है और इसको सीधा करता है, इस प्रकार हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। इस रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, एक शंकु कोशिका, एक स्तंभ कोशिका, रोड सेल एंड कोन सेल। कौन सेल जो होती हैं वो रंगों के लिए या प्रकाश के लिए उत्तरदायी है, मतलब प्रकाश को देखते हैं तो वो किसके कारण? शंकु कोशिकाओं के कारण। जो दिन में सक्रिय होती है वो होती है शंकु कोशिकाएं, और जो रात में देखने के लिए उत्तरदायी है या रात में जो सक्रिय होती है वो होती है रोड सेल, स्तंभ कोशिकाएं। जो रात में देखने वाले जानवर होते हैं जैसे उल्लू होता है, उनकी आंखों में स्तंभ कोशिकाएं या रोड सेल अधिक होती है, इसलिए वो रात में वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं। हमारे आंख में कौन सेल, शंकु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए हम दिन में वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं। कलर के लिए भी शंकु कोशिकाएं ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस प्रकार इसमें अलग अलग कार्य हैं इसके भागों के। उसके बाद यहाँ पे लेंस से आगे जो जगह है, यहाँ पे एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं नेत्रोद, और यहाँ पे भी एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं काचाव द्रव। काचाव द्रव और नेत्रोद का कार्य क्या है? एक तो ये इसकी आकृति को बनाए रखने में मदद करते हैं, मतलब देखो ये तो बोल है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं भरा जाएगा तो ये तो पिचक जाएगी। तो जो नेत्रोद, काचाव द्रव और नेत्रोद, इसकी आकृति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, इसके अंदर न्यूट्रिशन देने के लिए, मतलब इसको पोषण प्रदान करने के लिए भी जरूरी क्या है? वो काचाव द्रव और नेत्रोद। ठीक है भाई। उसके बाहर देखो हमें पता है ये जो देखो बाहर जो सबसे बाहर वाला भाग है जो कॉर्निया है, इसके बाहर जो है ये पलके हैं जो ऊपर नीचे होती हैं, ये क्या करती हैं? ये बचाती हैं, ये स्टर का काम करती है। जैसे कम कैमरे में एक स्टर होता है ना जो बंद हो जाता है, तो हमारी जो पलके हैं वो स्टर का काम करती हैं, मतलब धूल मिट्टी से हमें बचाती हैं। दूसरा, जो कॉर्निया होता है इसको मॉइस्ट भी रखती है, मतलब इसको गीला रखती है। अगर मॉइस्ट नहीं होगा तो हमें बहुत पेन होगा, कई बार हो जाता है जब यहाँ पानी की कमी हो जाती है तो आंखें जो है लाल लाल हो जाएंगी। ठीक है, तो मॉइस्ट रखने में हेल्प करती हैं कोई कौन? आईलिड्स। तो ये हो गए आंखों के अलग अलग कार्य। अगला प्रश्न है संयोजन क्षमता क्या होती है? अभी मैंने बताया था हमारे आंख के लेंस की एक क्षमता होती है कि यह नजदीक की वस्तु को और दूर की वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इसको बोलते हैं संयोजन क्षमता। मतलब लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को संयोजन क्षमता बोलते हैं, और ये किसकी मदद से होता है? ये होता है पक्षमाभी पेशियों की मदद से। मानव नेत्र में कौन सी परत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है? देखो कैमरे में जो फिल्म होती है वो है भाग है कैमरे का जिसपे प्रतिबिंब बनता है, मतलब फिल्म के ऊपर उसमें प्रतिबिंब बनता है, मतलब जिसको नेगेटिव रोल बोलते हैं ना, जो उसमें रोल डाला जाता है जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, तो वो होती है फिल्म। तो मानव नेत्र में
वह काम कौन करता है? वह काम करता है रेटिना, मतलब रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। जो काम कैमरे में फिल्म करेगी वही काम मानव नेत्र में रेटिना करती है। मानव नेत्र में अपवर्तन करने वाला मुख्य भाग कौन सा है? देखो मुख्य भाग कौन सा है? मुख्य भाग है कॉर्निया। मानव नेत्र में अपवर्तन करने वाला मुख्य भाग है कॉर्निया, और उसके बाद कौन करेगा? लेंस भी अपवर्तन करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दृष्टि का प्रास क्या है? देखो भाई मनुष्य आसानी से वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को देख सकता है? एक तो चाहे कितनी दूरी पर रखी हो वस्तु, हम आराम से देख रहे हैं, हमारी आंखों पे कोई दबाव नहीं पड़ता, मतलब अनंत से लेकर और नजदीक आती जाएगी। और मैंने बताया था कि 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हैं। अगर इससे आगे अगर वस्तु आ जाएगी तो हमारा लेंस उसको समायोजित नहीं कर पाएगा, मतलब उसको जितना वक्राकार होना था, मतलब जितना इसको अपनी फोकस दूरी को कम करना था उतने कर चुका है, इससे कम नहीं कर पाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे अगर वस्तु आएगी तो फिर हमारा लेंस उसके लिए कोई समायोजन नहीं कर पाएगा, तो हमारी आंखों पे फिर दबाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, हमारी आंखों का प्रास कितना हुआ? हमारी आंखों का प्रास हुआ भी अनंत से लेकर और 25 सेंटीमीटर की दूरी तक। उसके बाद है, रोशनी से अंधेरे कमरे में आने पर वस्तुओं को देखने में कुछ समय क्यों लगता है? अभी मैंने बताया कि जो ये परितारिका है, परितारिका यह है आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कैसे करती है? यह पुतली के साइज को घटाती है, बढ़ाती है। अब जब हम तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में जाएंगे तो जब हम तेज रोशनी में होते हैं तो हमारी पुतली का साइज छोटा होता है, और जब एकदम से अंधेरे कमरे में जाएंगे तो पुतली का साइज छोटा होने के कारण अंदर तो प्रकाश वैसे ही कम है, तो प्रकाश पूरा हमारी आंखों में पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए जाते ही तुरंत हमें, जब तुरंत जाएंगे कमरे में तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, क्यों? प्रकाश बहुत कम जाएगा अंदर, थोड़ी देर बाद वस्तुएं दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि ये जो परितारिका है इसको थोड़ा सा सिकुड़ने में समय लगता है, मतलब पुतली का साइज बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, और उस समय जितना समय लगेगा उस समय तक हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो इसलिए तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में आने पर हमें वस्तुओं को देखने में थोड़ा समय लगता है। इसका उल्टा भी होता है, जब हम बंद कमरे से या अंधेरे कमरे से तेज रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, मतलब एकदम से हमें प्रकाश तेज महसूस होता है। उसका कारण ये है कि जब हम बंद कमरे में होते हैं तो हमारी पुतली का साइज बड़ा होता है, और एकदम से जब तेज रोशनी में जाएंगे तो तेज रोशनी इतने बड़े हुए साइज में से अंदर चली जाएगी, जिससे हमें एकदम हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में दो आंखें होने के क्या लाभ है? देखो मैंने बताया था, अगर मानव में एक आंख होती तो मनुष्य सिर्फ 150 डिग्री तक ही वस्तुओं को देख पाता, मतलब 150 डिग्री के एंगल तक जो वस्तुएं रखी होती है सामने उसको देख पाता। अब दो आंखें होने से एक तो क्या हो गया, हमारा दृष्टि का क्षेत्र बढ़ जाता है, मतलब 180 डिग्री के एंगल पे जितनी वस्तुएं रखी होती हैं आगे इधर से लेकर यह से सामने जितनी भी वस्तुएं हैं सब हम 180 डिग्री पे रखी वस्तुओं को देख सकते हैं दो आंखें होने से। दूसरा क्या है, हमारी आंखों के बीच में थोड़ा सा गैप है तो हमारी आंखें किसी वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनाती है और अलग अलग एंगल से बनाती है, तो हमारे रेटिना पे दो प्रतिबिंब बनते हैं, फिर वो प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं दोनों अलग अलग प्रकार के, फिर हमारा दिमाग उसको जोड़ के उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाता है, तो फिर हमें वो वस्तु अच्छे से दिखाई देती है। अलग अलग एंगल से देख रहे हैं क्योंकि दूरी है तो वस्तु को अलग अलग एंगल से दिखाई देगी, तो दिमाग फिर उनको कंबाइन करके हमें वो वस्तु दिखाई देगी, तो स्पष्ट दिखाई देगी, उस आगे से पीछे से इधर उधर से, मतलब 3D में वो वस्तु दिखाई दे जाएगी दो आंखें होने से। ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया था आपको एक उदाहरण भी दिया था, जो प्रीडेटर होते हैं और प्रे होते हैं, मतलब शिकार और शिकारी, जो शिकारी होते हैं उनकी आंखें तो सामने होती हैं और जो शिकार होते हैं उनकी आंखें उनके सिर के साइड में होती है, क्यों? क्योंकि उनको बचना होता है, उनको बचने के लिए ज्यादा बड़े क्षेत्रफल को देखना होता है, इसलिए वो ज्यादा बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं साइड में आंखें होने से। जबकि जो शिकारी होते हैं उनकी आंखें सामने होती है, क्यों? क्योंकि उनको दूरी का सटीक अंदाजा लगाना होता है। जैसे हमारी आंखें सामने है तो हम दो आंखें सामने होने से दूरी को बिल्कुल सही, दूरी का सही अनुमान लगा पाते हैं दो आंखें सामने होने से। ठीक है, तो उनको तो सिर्फ जैसे शिकारी है, शेर चीता वगैरह, इनको क्या होना, क्या करना पड़ता है, इनको
पहले तो घात लगानी पड़ेगी शिकार के लिए, पहले दूरी का अंदाजा लगाना पड़ेगा, फिर उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा, वो भी दूरी, उसमें भी दूरी ही है। तो दूरी का सटीक अनुमान लगाने के लिए आंखों का सामने होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैसे तो पहले बता चुका था मैं, फिर बता दिए, कोई बात नहीं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखो भाई, हम तो अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अपवर्तन में हमने पढ़ा है कि प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी लागू होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखो ये हो गया भाई अभिलंब, ये सतह है, नीचे सघन माध्यम है। यहां से अगर प्रकाश की कोई किरण ऐसे गई, इस बिंदु पे टकराएगी, तो यह अभिलंब से दूर जाएगी ऐसे। अगर हम यहां ये एंगल, ये तो अपवर्तन कोण है, सॉरी आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है ये वाला। तो जब ये कोण बढ़ जाएगा, मान लो ये ऐसे आई तो ये कोण भी बढ़ जाएगा, और भी फिर ऐसे आई तो ये कोण और बढ़ जाएगा। एक कोण ऐसा आएगा, मतलब आपतन कोण एक ऐसा आएगा जब ये जो अपवर्तन कोण है ये 90 डिग्री का हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार। ये कोण, ये वाला कोण, एक समय ऐसा आएगा कि जब ये आपतन कोण इतना होगा कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, उस समय इस आपतन कोण को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब मान लो इससे फालतू, इससे ज्यादा अगर ये कोण हुआ, मान लो ये इससे ज्यादा हो गया ऐसे, तो ये कहां जाएगा, 90 डिग्री का तो हो चुका है, इससे आगे कहां जाएगा, तो ये नीचे आएगा ऐसे, उसी माध्यम में आ गया। देखो जिस माध्यम में आपतित किरण थी तो अपवर्तित किरण भी उसी माध्यम में आ गई, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया। हमें पता है कि परावर्तन क्या होता है, किसी वस्तु का टकरा कर उसी माध्यम में वापिस आ जाना। तो प्रकाश की किरण देखो इसी माध्यम से चली तो इसी में वापिस आ गई, हालांकि ये है अपवर्तन, लेकिन स्पेशल केस हो गया अपवर्तन का, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब अगर आपतन कोण, अपवर्तन में आपतन कोण क्रिटिकल कोण से अधिक है तो आपतित किरण उसी माध्यम में वापिस आ जाएगी जिस माध्यम में आपतित किरण होती है, तो अपवर्तित किरण भी उसी माध्यम में वापिस आ जाती है, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसा हमने पढ़ा था कि इसमें इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, देखो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देना, उसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करना क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण। 7 रंग हम पढ़ चुके हैं, ये प्रिज्म है, यहाँ श्वेत प्रकाश पड़ता है, हमने पढ़ा था ये, पहले तो यहाँ आता है ऐसे आएगा 7 रंग, फिर उसके बाद ऐसे 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ये वायलेट होता है सबसे नीचे, सबसे ऊपर क्या होता है रेड होता है, मतलब रेड जो होता है सबसे कम विचलित होता है, मतलब सबसे कम अपवर्तित होता है, और वायलेट जो होता है सबसे ज्यादा अपवर्तित होगा। ठीक है, तो विचलन कोण वायलेट का सबसे अधिक होगा और रेड का सबसे कम होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाइए, अपवर्तन का मैंने विक्षेपण का बनाया, अपवर्तन का क्या होगा, ये प्रिज्म है भी, प्रिज्म में जब ये प्रकाश की कोई किरण यहाँ टकराएगी बिंदु ए पे, तो उसके बाद ये ऐसे जाएगी बी तक, और उसके बाद ये ऐसे निकलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं विचलन कोण, और ये होता है प्रिज्म कोण। इसको पूरा करो पी क्यू आर, तो एंगल पी क्या है, प्रिज्म कोण है, ये जो किरण है ये जो गई है इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको कुछ भी नाम दे लो, ओ दे लो, ओ ए आपतित किरण है, ए बी अपवर्तित किरण है, बी सी निर्गत किरण होती है, ये निर्गत किरण। तो सबको लिखना पड़ेगा, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए, तो ऐसा चित्र बना के ये सारे पार्ट लिखने पड़ेंगे कि ओ ए क्या है आपतित किरण, ए बी क्या है, ए बी है अपवर्तित किरण, और बी सी बी आगे कुछ भी ले लो, लिख लो नाम ऐसे, बी सी क्या है, तो निर्गत किरण हो गई ये, और एंगल पी क्या हो गया, प्रिज्म कोण,
और ये एंगल डी, इसको एंगल डी लिखेंगे, इसका क्या नाम है, इसका नाम है भाई विचलन कोण। तो ठीक है भाई, ये हो गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब आता है प्रश्न, बारहवां प्रश्न है, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। हम पढ़ चुके हैं कि इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली होती है, तो पानी की बूंदे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। पानी की बूंदे क्या करती है, प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ये पानी की बूंद है कोई इस तरह से, तो कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका हो जाएगा विक्षेपण। ऐसे ये सात रंगों में ऐसे बट जाएगी। अब इसका आगे यहां टकराकर इनका क्या होएगा, इनका होएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों होएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हालांकि देखो यहां से ये बाहर भी जा सकती थी लेकिन ये बाहर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे इस बिंदु पे इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अभी मैंने समझाया था कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हालांकि ये सघन से इसमें जाने की कोशिश करेगी बाहर, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के कारण उसी माध्यम में मुड़ जाएगी वापिस इस प्रकार। ठीक है, तो ये रेड वाला ये नीचे आएगा ऐसे, ये उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे। ठीक है भाई, ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, इस प्रकार ये सात रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो प्रकाश की किरण का, जब प्रकाश की कोई किरण पानी की बूंद से टकराती है तो पहले अपवर्तन हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और फिर से दोबारा से उसका अपवर्तन होकर विक्षेपण हुआ और वो सात रंगों में विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है भाई, वायुमंडल के न होने पर दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य हमें दो मिनट उदय होने से दो मिनट पहले, तो क्या पढ़ चुके हैं हम कि सूर्य हमें उदय होने से दो मिनट पहले दिखाई दे जाता है और छिपने के बाद भी दो मिनट तक दिखाई देता रहता है। ये किसके कारण होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगर वायुमंडल ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमें ये जो दो मिनट पहले दिखाई देता है और दो मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, ये काम नहीं होगा। मतलब भाई वो जो चार मिनट थे वो चार मिनट की अवधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चार मिनट जो फालतू में दिखाई दे रहा था वो समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। अब है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। देखो हमें पता है हमारा जो वायुमंडल है गैसों से ही मिलकर बना हुआ है, इसमें लगभग सारी गैसें ही हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। लेकिन वायुमंडल है गैसों से ही बना हुआ लेकिन फिर भी अपवर्तन करता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल बटा हुआ है परतों में और प्रत्येक, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक परत का तापमान निश्चित है, इसका तापमान वैरी करता है मतलब बदलता है। हम पढ़ चुके हैं जब हवा नीचे गर्म होगी तो गर्म हवा हमेशा हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। कहने का मतलब क्या है, तो ऊपर की हवा तो हल्की है और हल्की हवा हमेशा विरल माध्यम बनाती है और जो पृथ्वी के साथ वाली हवा है वो ठंडी होती है, वो बनाती है सघन माध्यम। तो प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब ठंडी हवा ने अलग माध्यम बना दिया जिसका प्रकाश की घनत्व अलग है और जो विरल हवा थी हल्की हवा थी उसने अलग माध्यम बनाया जिसका प्रकाश की घनत्व अलग है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जिसका प्रकाश की घनत्व अलग है और दूसरे में प्रवेश करती है जिसका प्रकाश की घनत्व उससे अलग होता है तो वो विचलित होगी, अपने पथ से विचलित होगी और ये सब वायुमंडल के कारण हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय, वायुमंडल ने ही अपवर्तन किया तो इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तापमान के बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तापमान बदलेगा तो हवा कहीं ठंडी है कहीं गर्म है जिससे उसने अलग अलग माध्यम के रूप में कार्य किया और प्रकाश का अपवर्तन हुआ, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन पर बहुत सारे चीज़ें आधारित हैं जैसे तारों का टिमटिमाना या सूर्य हमें दो मिनट उदय होने से दो मिनट पहले दिखाई दे जाएगा और छिपने के दो मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, या तारे अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, यह भी वायुमंडल, यह चीज़ भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के न होने पर आकाश
कैसा दिखाई देता है? देखो भाई, हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का छोटे छोटे कणों से टकरा कर बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और ये किसके कारण होता है? ये वायुमंडल में उपस्थित धूल कण या गैसों के अणुओं के कारण होता है। जो वायुमंडल में गैसों के अणु होते हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, तो प्रकाश की किरणें उनसे टकराती हैं और उसमें जो ब्लू कलर होता है, उसमें जो नीला रंग होता है, उसका प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगर मान लो वायुमंडल ही ना हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन ही वायुमंडल के अंदर जो गैसें उनके कारण हो रहा है। तो अब वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, तो आकाश हमें कैसा दिखाई देगा? तो आकाश में काला दिखाई देगा। और यही कारण है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं रॉकेट में, तो उनको ऊपर जाने पर आकाश हमेशा काला ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वायुमंडल नहीं होता जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। तो ये हो गया 15वां प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्ह लाल रंग से क्यों बनाए जाते हैं? देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो उस कलर का, उस रंग का सबसे अधिक होता है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और हमने पढ़ा कि भाई VIBGYOR मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इस साइड ऐसे, ये है बढ़ता क्रम, किसका? तरंग दैर्ध्य का। मतलब तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और वायलेट कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए वायलेट कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वायलेट कलर का ही, रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब रेड कलर छोटे कणों से टकरा कर बहुत कम बिखरता है, यह सीधा ही हमारी आंखों में पहुंच जाता है। और जो डेंजर सिग्नल होते हैं मतलब जो चेतावनी चिन्ह जैसे क्रॉस का निशान बना होता है, कहीं बिजली के खंभे पे क्रॉस का निशान बना होता है, रेड कलर का ही बना होता है, तो वो ऐसे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अब लाल कलर वो सीधा हमारी आंखों में पहुंच जाता है, जो बीच में वायु के अणु है या गैसों के अणु है, नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के या फिर जलवाष्प है या फिर बहुत सारा कोहरा है, धुंध छाई हुई है, तो उस समय भी वो चिन्ह हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, वो कणों से टकरा कर नहीं बिखरता और सीधा हमारी आंखों में पहुंच जाता है, तो चेतावनी चिन्ह हमें दूर से दिखाई दे जाएंगे। कब? अगर अधिक कोहरा तब भी या फिर जैसे हवा है उसके कारण, उसमें भी मतलब कहने का क्या है कि वायुमंडलीय गैसों का उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए चेतावनी चिन्हों को हमेशा ही लाल रंग से बनाया जाता है ताकि वो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुछ तो मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह है उनको देख, उसमें जो क्वेश्चन बच के वो खुद से सोल्व करके देख लेना। ठीक है, वीडियो समझ ना आए तो दोबारा देखना, वीडियो को पूरा देखना, ये रिक्वेस्ट है कि जब भी देखो वीडियो को पूरा देखो, आधा अगर देखोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, पूरा देखोगे तभी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।